हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शांत हो जाओ। तुम जानती हो उसे? कौन है ये? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा यहाँ। कपड़ों से तो लगता है कि ये सगाई का फंक्शन अटेंड करने आया था यहाँ पे। सिद्धार्थ भी गायब है, कहीं उसी ने तो? नहीं सर, सिद्धार्थ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सिद्धार्थ है कहाँ? कहाँ गायब हो गए? पता नहीं सर, कहीं उनकी जान को भी खतरा तो नहीं? आप कुछ कीजिए सर, प्लीज। सिद्धार्थ का नंबर तो 170-516-416। बेल बज रही। फोन उठा नहीं रहा। वो क्या होगा सर? सगाई का? ये सारे मेहमान आए हुए बाहर, उनसे क्या कहेंगे हम? किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जब तक ये पता नहीं चल जाता कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। हाँ यार, बेल बज रही है, लेकिन कहाँ गया होगा इस तरह? भूल जाओ मुझे। धोखेबाज हो तुम, और धोखेबाज लोगों को बुलाया नहीं जाता, सबक सिखाया जाता है। तुमसे जो बन पड़ता है कर लो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं। सिद्धार्थ, बहुत जल्दी है तुम्हें अपनी सगाई में जाने की। एक बात याद रखना, श्रेया से शादी करने से पहले तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंकज, कुछ मिला कि नहीं? ये रही। सर, कमाल की बात है ना, हमारे पास फोरेंसिक या कोई इक्विपमेंट नहीं है, मगर फिर भी हम सारा काम कर रहे हैं। चाहे आंधी आए या तूफान, सीआईडी का काम रुकता नहीं, ये समझे? ये देखिए, बस जहर के तो कहीं कोई ट्रेसेस नहीं है, शरीर पे भी कहीं कोई चोट का निशान नहीं है, सिर्फ सर पर चोट लगी है। मुझे लगता है इसी चोट की वजह से इसकी मौत हुई है। कमरे का सारा सामान तो बिखरा हुआ है, हाथापाई तो हुई है यहाँ पे। सर, मोबाइल कंपनी से बात हो गई है सर, जल्द से जल्द पता चल जाएगा कि सिद्धार्थ का मोबाइल है कहाँ। मौसी जी, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, और कितना वक्त लगेगा? सर, अब सारी पोल खुल जाएगी सर। अभिजीत, तुम जाके बात करो सर, प्लीज जाओ। मैं क्या बोलूंगा? अरे कुछ भी बहाना बना लो, उन्हें अंदर आने मत देना। जाओ, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी करो। जाओ अभिजीत। सिद्धार्थ, हेलो आंटी। अरे अभिजीत, तुम यहाँ सिद्धार्थ के कमरे में क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली सिद्धार्थ थोड़ा नर्वस हो गया है। नर्वस? हाँ, वो सगाई की नर्वसनेस। अरे ये कोई वक्त है नर्वस होने का? हटो,
आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो उसका वो ये क्या वो शेरवानी फट गई है, तो अंदर सिलाई चल रही है, जैसे ही सिल जाएगी तो वो पहन के बाहर आने वाला है। अरे ऐसे कैसे फट गई? अरे जाने दीजिए ना आंटी जी, वो शर्मा रहा है एक्चुअली। मौसी से क्या शर्माना? वो क्या है मौसी जी, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया। अरे सिद्धार्थ, शर्माने कैसे फट गई? अरे कुछ बोलेगा क्या? पंकज, तुम उस दिन एसीपी साहब और डीसीपी चित्तौड़ की आवाज निकाल देते हैं। सिद्धार्थ की आवाज निकाल सकते हो? सर अगर कुछ गड़बड़ होगी तो? अरे कुछ नहीं होगा, कोशिश। सिद्धार्थ ये बोल क्यों नहीं रहा? मौसी जी मैं अभी नहीं आ सकता, आप चलो, आप मेहमानों को संभालो, मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। बोला। अरे मुझे देखने तो दो, कितनी फटी है शेरवानी। अरे ऐसे कैसे देख लोगे? ऐसे कैसे देख लोगे? बाद में मौसी बस मेरी शेरवानी फट गई है, मैं बाद में बाहर आता हूँ, अब जाइए मेहमानों को संभालिए। ठीक है लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है। पहली बार देख रही हूँ दुल्हन से ज्यादा दूल्हे को तैयार होने में वक्त लग रहा है। ये सिद्धार्थ की आवाज तुमने निकाली ना? सॉरी सर। गुड जॉब। खैर ये ड्रामा हम ज्यादा देर तक चला नहीं सकते हैं, किसी भी हाल में जल्द से जल्द सिद्धार्थ को वापस लाना होगा। ठीक है सर, सिद्धार्थ का फोन जोटवाड़ा इलाके में। जोटवाड़ा? ये तो बिल्कुल पास में है, मैं जाके देखता हूँ। अभिजीत तुम यहीं पे रुको, मैं जाकर लेके आता हूँ उसे। अरे नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है? अरे यार बात को समझा करो, अगर मेहमानों को या रिश्तेदारों को जरा सा भी भनक लग गई तो रंग में भंग पड़ जाएगा और इस सिचुएशन को तुमसे अच्छा कोई हैंडल नहीं कर सकता है ना। कोई और बात तो नहीं है ना? मैं ऐसा तो नहीं लगता कि मैं सिद्धार्थ को वापस नहीं लाऊंगा। नहीं नहीं मैं जानता हूं तुम सिद्धार्थ को जरूर वापस लाओगे, अगर उसने जुर्म किया है तो हाथ कड़ी डाल के, नहीं तो सगाई के लिए। बिल्कुल, बस इस बात का ख्याल रखना कि मेहमान यहां से बाहर जाने न पड़े, मुझे भी नहीं, मुझे कोई हो सकता है। तुम चिंता मत करो, जब तक सिद्धार्थ वापस नहीं आता यहां से मेहमान तो क्या कोई परिंदा भी नहीं जा सकता। ए यार इतनी देर हो गई, कहां रह गया ये सिद्धार्थ? ए भाई सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आना भाई। अरे भाई कितना टाइम और लगेगा, सिद्धार्थ आओ। अरे एक बस दस दो मिनट की बात है, दो मिनट। वो क्या है, वो सिद्धार्थ को तैयार होने में थोड़ा सा टाइम है बस। अरे और कितना टाइम सर? अरे भाई पहली सगाई है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, मतलब दूल्हा है, दूल्हे को तैयार होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्यों क्रेडी भाई? यस सर। तब तक हम लोग एक गेम खेलते हैं। कैसा गेम? आंटी जी वो गेम जो है बताना यार। वो ये, अरे छोड़ पंकज, तुम बताओ वो वाला गेम है ना? वो वाला गेम? हाँ वो खिलाओ ना यार, वो बड़ा मजा आएगा। इस गेम का नाम है पासिंग द पासल। जैसे ही म्यूजिक चालू होगा इस पासल को हम लोग अगले इंसान को पास करेंगे, और जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ उस समय ये पिलो जिसके भी हाथ मिलेगा उसे हम सबके मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सर क्या बात है? कुछ नहीं, सब ठीक है। सब ठीक है, यू डोंट वरी। सर मैं जानती हूँ आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज बताइए ना क्या बात है। बज रही है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ,
सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सर, अनिकेत, सर, सिद्धार्थ का फोन। जबान निकालो जल्दी। संभाल के इस तरफ ले आना, आराम से आराम से आराम से संभाल के। लगता गला घोट के मारा है इसे। सर, इसकी पॉकेट में तो कोई आईडी नहीं है। सर, अभी तक एक खून का मामला सुलझा नहीं था, यानी एक लाश और मिल गई। सिद्धार्थ के कमरे में एक आदमी की लाश मिली और सिद्धार्थ गायब है। सिद्धार्थ का फोन हमें यहां मिलता है और यहां पे इस लड़की की लाश। पता करना पड़ेगा ये लड़की और वो आदमी है कौन, और इन दोनों का सिद्धार्थ से कोई कनेक्शन है या नहीं। सिद्धार्थ का बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर? हाँ सर, 2 महीने पहले सिद्धार्थ और अरविंद ने मिलकर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू की थी। ऐसे ये सिद्धार्थ और अरविंद के बीच में कुछ टेंशन वगैरह थी क्या? हाँ सर, थोड़ी टेंशन थी, मगर सर आप सिद्धार्थ पर शक कर रहे हैं? देखो श्रेया, थोड़ी देर के लिए एक मंगेतर की हैसियत से नहीं, सीआईडी ऑफिसर की तरह सोचो। हम लोग जानते हैं कि हालात कई बार अच्छे आदमी को भी जुर्म करने पे मजबूर कर देते हैं। क्या सिद्धार्थ? नहीं सर, हालात भले कितने ही बुरे क्यों ना हो जाए, सिद्धार्थ किसी की जान नहीं ले सकता। ठीक है, क्या 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 वजह क्या थी टेंशन की? सर मुझे ठीक से कुछ पता तो नहीं है, मगर 2 दिन पहले मैंने कहा ना बार बार मुझे फोन मत किया करो। तुम्हें बात समझ में नहीं आती है क्या? मैं तुम्हें मिलके बात बताता हूँ, अभी फोन रखो बस। सिद्धार्थ ने बताया कि किससे फोन पे बात कर रहा था? नहीं सर, उसने बात को टाल दिया। दया का फोन? सिद्धार्थ का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं। झोटवाड़ा के इलाके में हमें सिद्धार्थ का फोन मिला है और साथ में एक लड़की की लाश भी। कौन? कौन? कौन लड़की है? लाश पे कोई आईडी तो नहीं मिला है। मैं उसकी फोटो भेज रहा हूँ तुम्हें, श्रेया को दिखाना, जरा उससे पूछना पहचानती है कि नहीं उसे। हाँ, भेजो भेजो, जल्दी भेजो। लड़की की लाश मिली है, सिद्धार्थ का फोन, मतलब सिद्धार्थ वहां पे था। जानती हो? नहीं सर, मैं इस लड़की को नहीं जानती। सिद्धार्थ फोन पे बहस कर रहा था, कब कब की बात है ये? सर परसों की बात है,
परसों यानी 26 को? हाँ सर। कितने बजे? शाम के 7-7:30 बज रहे थे। जरा सिद्धार्थ का फोन चेक करो, पता करो कि 26 तारीख की शाम 7-7:30 बजे के बीच किससे फोन पे बात कर रहा था। 26 सितंबर शाम 7:30 बजे। शाम 7:30 बजे किसी पीडी से बात कर रहा था, नाम हमने लिखा है, सिर्फ इनिशियल्स है। पीडी? नहीं सर, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। क्या जरा फोन लगा उसको। नहीं, ये नंबर सेवा में नहीं है। ठीक है, पता करो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, निकालो इसकी कुंडली। ओके ओके ठीक है। सचिन, मैं एक नंबर भेज रहा हूं तुम्हें, उसकी सारी डिटेल्स निकालो, अर्जेंट है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था सर, मेरे और सिद्धार्थ के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, वो भी आज के दिन। श्रेया, सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना, दया सिद्धार्थ को लेके आएगा, तुम्हारी सगाई होके रहेगी। सर, हो सकता है यहाँ हाथापाई हुई हो और अरविंद के कपड़ों का ये। नहीं नहीं नहीं, अरविंद ने तो सूट पहना हुआ है, शेरवानी नहीं। ये या तो सिद्धार्थ का हो सकता है या फिर किसी तीसरे आदमी का जो यहाँ पे था और जिसने ये खून किया है। सर, हो सकता है ये बटन वाला आदमी अभी भी फंक्शन में मौजूद हो। अगर ये आदमी अभी भी फंक्शन में है तो पकड़ा जाएगा। हाँ सचिन। सर, सिद्धार्थ के मोबाइल से जो नंबर मिला वो किसी रिया नाम की लड़की का, और उसका एड्रेस भी मिल गया है। ठीक है, एड्रेस हमें एसएमएस कर दो और तुम वहाँ पे पहुँच जाओ, हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं वहाँ पे। अरे और कितना टाइम लगेगा यार, कहीं सिद्धार्थ खुद की सगाई से डर के भाग तो नहीं गया? यार मुझे तो नींद आ रही है। हमें भी यार, मैं तो घर जा रहा हूँ। हम भी। बाय दोस्तों, गुड नाइट। सुनिए तो, सिद्धार्थ अभी आता ही होगा। तो वही लड़की है रिया। मतलब ये घर रिया का है? इस रिया की सिद्धार्थ के साथ बहस हुई और इसका खून हो गया, और वो आदमी जिसकी लाश हमें सिद्धार्थ के कमरे से मिली थी, शायद उसका भी झगड़ा हो रहा था सिद्धार्थ के साथ। दोनों खून में एक बात कॉमन है, सिद्धार्थ के साथ झगड़ा। मतलब सिद्धार्थ खूनी है? आवाज कैसे? वाह,
वीडियो कॉल। सीआईडी का असली डांस तो तुमने अभी देखा नहीं है। मैं जानता हूँ आप लोग श्रेया के दोस्त हैं, लेकिन मेहमानों को इस तरह सीआईडी की धुआंस दिखाना अच्छी बात है क्या? वैसे अच्छी बात तो ये भी नहीं है कि शेरवानी तुम पहनो और तो बटन हमारे हाथ में हो। ये बटन आपको कहाँ से मिला? लाश के पास से। लाश? किसकी लाश? नाटक में अरविंद को क्यों मारा? सर मेरी तो बस तू तू मैं मैं हुई थी अरविंद से। सर मैंने उसका खून नहीं किया सर। चलो ये तो माना तुमने कि तुम्हारी तू तू मैं हुई थी। वैसे एक बात बताओ, ये तुम्हारे सास बहू का झगड़ा हुआ किस बात पे था? दरअसल सर मैंने उसकी कंपनी में कुछ घोटाला किया था और ये बात उसको मालूम पड़ गई थी, इसलिए मार दिया उसे। नहीं सर, सर मैंने माफी मांगी थी और कहा था कि उसका सारा पैसा लौटा दूंगा और फिर मैं उस सिद्धार्थ के कमरे से निकल गया था। ये सिद्धार्थ था वहां पे उस कमरे में? नहीं सर, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने सिद्धार्थ को एक आदमी के साथ वहां जाते हुए देखा। अच्छा, कौन कौन था वो दूसरा आदमी? सर चेहरा तो याद नहीं सर। कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो, तुम्हारी एक छोटी सी चीज भी हमें उस आदमी तक पहुंचा सकती है। हाँ सर, उसने क्रीम कलर की शेरवानी पहन रखी थी। क्रीम कलर की शेरवानी? मतलब गेस्ट में से ही कोई है। बचाओ, बचाओ! बच जाएगा, क्योंकि दया तुझे बचाएगा, मगर सिर्फ दो घंटे में, क्योंकि दो घंटे के बाद ये टब भर जाएगा और तू मर जाएगा, और अगर तू मर गया तो दया भी गया समझो, क्योंकि सब समझेंगे कि दया ने जानबूझकर तुझे नहीं बचाया। बचा लो मुझे, प्लीज दया, बचा लो, बचा लो दया, बचा लो। प्राइवेट नंबर? हेलो दया, मैं क्या कर सकता हूँ ये तो तुमने देख ही लिया। अब अगर तुम सिद्धार्थ को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? काम क्या है इसका जवाब तुझे मैं नहीं दूंगा, बल्कि वो तोहफा देगा जिसे मैंने कुछ दिन पहले श्रेया के लिए भिजवाया था उसके घर पर। श्रेया के लिए तोहफा? हेलो, हेलो, एक दो तीन चार पांच, इनको जानती हो तुमसे? सर उन तीनों को तो मैं जानती हूँ, ये तो शायद सिद्धार्थ के दोस्त होंगे। अच्छा, रेडी पंकज, मैं चेक करो। वो गिफ्ट जो श्रेया को कुछ दिन पहले मिला था, लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं? नहीं, कुछ तो होगा।
ओहो, ये है। थाने 20 किलोमीटर माइलस्टोन बना है, यहां मिलो। चलो मैं भी चलती हूँ। नहीं दारिका, मैं अकेले ही जाता हूँ। इस सिद्धार्थ की जिंदगी और श्रेया की खुशियों का सवाल है, ये मेरी लड़ाई है। मैं चलता हूँ। सिद्धार्थ को बचाने के बाद श्रेया को बधाई देना उसकी सगाई की, समझा? कौन हो तुम? फिजूल की बातों में वक्त जाया मत कर दया। ये बैग ले। क्या इसमें? वो जानना तेरे लिए जरूरी नहीं है। कहाँ पहुंचाने से? ये है वो एड्रेस। अभिजीत, हाँ, उन लोगों ने मुझे एक पार्सल दिया है जो मुझे खाटीपुरा इलाके में पहुंचाना है। नहीं नहीं, मैंने चेक किया, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, मैं वहां जा रहा हूं। चलो तुम निकलो। अरे दया सर, आप जाइन। ये इतनी नाकाबंदी किसने? सर वो बिजनेसमैन है ना, अखिल विजय, उसकी बेटी का किडनैप हो गया है। ओह ठीक है, गाड़ी की तलाशी ले लो, मगर जल्दी, मैं जरा जल्दी में हूँ। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी गाड़ी की तलाशी मैं कैसे ले सकता हूँ? क्यों? नहीं नहीं यार, कानून हर किसी के लिए एक होता है, हर नागरिक की तलाशी लेनी चाहिए। चलो आओ तलाशी लो। एक मिनट सर। हाँ सर, मैं पहुंच रहा हूँ सर। शंभू जरा अर्जेंट है, मैं निकलता हूँ। ओके सर। ओके सर, या या। अब समझ में आ रहा है, ये सारा चक्कर इस लड़की को किडनैप करने का है, और इस मुजरिम को पता था कि सीआईडी का इस्तेमाल करेगा तो काम आसान हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। सिद्धार्थ कहाँ? पप्पू घोड़ा मिल में।
सिद्धार्थ, 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 कौन है? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आगे खोलो। आंखें खोलो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आंखें खोलो। सिद्धार्थ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बैठ सकते हो? कुछ नहीं, इसकी पल्स धीमी हो गई थी, अब ये ठीक है। एक काम करो, इसे जल्दी से तैयार करके एंगेजमेंट हॉल में लेके जा, मैं चलता हूँ। सर अब कुछ काम बाकी रह गया है, इसे खत्म करके आता हूँ, तुम लोग ले चलो उसे। तुम ठीक हो? आंटी जी, आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। एक शेरवानी सिलाने में इतना टाइम लगता है? तो दो मिनट दीजिए मौसी जी, आप दो मिनट में मैं सिद्धार्थ को लेकर यहाँ आता हूँ। आप यहीं रुकिए ना प्लीज। क्या बात है, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो? क्या छुपा रहे हो? छुपा रहे हैं? नहीं, देखिए हम आपसे क्या छुपा सकते हैं मौसी जी। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, आप मुझसे कुछ तो छुपा रहे हो। मेरा दिल नहीं मानता, मैं उसकी मासी हूँ। क्या हुआ है मेरे सिद्धार्थ को? मुझे अभी के अभी मेरे सिद्धार्थ को मिलना है। आप गलत समझ रहे हैं। आप मुझे दो मिनट दीजिए, मैं लेके आता हूँ उसको। अगले संभाला मौसी जी को। देखो, मैं सिद्धार्थ को लेके ही जाऊंगी, चाहे मुझे होटल का दरवाजा क्यों ना तोड़ना पड़े। हटो यहाँ से। सिद्धार्थ, कोई फायदा नहीं भैया, गए काम से हम लोग। सिद्धार्थ कहाँ है? मैंने पूछा सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ, मेरे बच्चे। मौसी। सिद्धार्थ, तू कहाँ था? मुझे कितनी चिंता हो रही थी, मुझे तो जान निकल गई थी बेटा। ठीक तो है ना बेटा? क्या हुआ था? वो बस मेरी शेरवानी फट गई थी, उसे सिलवा रहा था। अब चलो, मैं दो मिनट में आ रहा हूँ। नहीं, मैं अब बिल्कुल अकेली नहीं जाऊंगी, तुझे लेकर ही जाऊंगी। चल। वाह, मजा आ गया भाई, इस लड़की का बाप पैसा देने को राजी हो गया।
ये तो होना ही था छोटे, एक लौती बेटी जो है उसकी, एक बात माननी पड़ेगी, सीआईडी के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि दया झुका है और मुजरिम उठा है। अबे क्या हुआ? कौन है? कहाँ भाग रहा है? पूछेगा नहीं मैं यहां तक कैसे पहुंचा? कैसे पहुंचे सर आप? कौन हो तुम? मैं अक्षय विजय की बेटी हूँ। अब मैं इंस्पेक्टर दया सीआईडी से, घबराओ नहीं। देखो मुजरिम को पकड़ने में तुम हमारी मदद करो, मैं तुम्हारे कपड़ों पे एक बग लगा देता हूँ जिससे तुम्हारी लोकेशन हमें पता चलती रहेगी और हम गुंडों को पकड़ सकेंगे। सर अब तो आपको तानिया मिल गई है ना, मुझे छोड़ दीजिए। तुझे छोड़ दिया तो मैं उस आदमी तक कैसे पहुंचूंगा जिसके कहने पर तूने ये सब किया है? एक मिनट। इससे पहले कि ये अंगूठियां बदली जाए मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी उस दिन की है जिस दिन श्रेया और सिद्धार्थ की सगाई होने वाली थी, यानी कि आज। तो हुआ यूं, जैसे ही सगाई की शुभ घड़ी आई सिद्धार्थ कमरे से गायब। और आप लोग जानते हैं कि सिद्धार्थ के कमरे में उसकी जगह कौन था? सिद्धार्थ का बिजनेस पार्टनर अरविंद, और वो भी जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा। सिद्धार्थ तक पहुंचने की कोशिश हमें एक और लाश तक ले गई, और इस बार लाश लड़की की थी, रिया की। फिर सीआईडी के पास एक फोन आया, सिद्धार्थ के किडनैपर का फोन। वो मेरे साथ एक सौदा करना चाहता था, सिद्धार्थ की जान के बदले उसे तानिया नाम की एक लड़की चाहिए थी ताकि वो तानिया के पिता से फिरौती की लंबी चौड़ी रकम ऐंठ सके। आप लोग जानना चाहते हैं कि मुजरिम कौन है? वो मुजरिम यही है हमारे बीच में, और इस मुजरिम का पर्दाफाश करने के लिए मैं यहां बुलाना चाहूंगा उसी के चमचे को, पकिया को। आइए पकिया जी। बोल। मैंने ये सब उसके कहने पे किया है। कहाँ जा रही? अपने भाई की सगाई का तोहफा तो लेती जाओ सीआईडी से। मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। क्यों किया ये सब?
मुझे अंकल ने कहा था ये सब कुछ करने को। अरे ये क्या कह रही हो तुम? अपने पापों का बोझ मेरे सर क्यों डाल रही हो? इन्होंने मुझसे कहा था। अंकल आपने मुझे किडनैप करवाया। अरे नहीं बेटे ये सच नहीं है। देखो ये लड़की ये झूठ बोल रही है। अंकल जी कहाँ जा रहे हैं? देखिए मैंने कुछ नहीं किया। आपने किया है या इन्होंने? अभी पता चल जाएगा। एक लाइट डिटेक्टर टेस्ट कर लेते हैं। मगर सर हम तो लाइट डिटेक्टर मशीन लाए ही नहीं। है ना हमारे पास। दया देखो जरा सच बोल रहे हैं या झूठ। सिद्धार्थ और अरविंद ने मुझसे पैसे लिए थे बिजनेस के लिए और वो मुझे चुका नहीं पा रहा था, इसीलिए बहसबाजी चल रही थी कमरे में। हाँ सर, सिद्धार्थ के जाने के बाद मेरे पास पतिया का फोन आया जिसे मैंने किडनैपिंग का काम सौंपा था। तो तुम्हारी बात है अरविंद ने सुन ली और इसीलिए उसे भी रास्ते से हटा दिया। हाँ तो भाई मैं उसकी जान चली गई। तो तुम शेरवानी बदल कर पार्टी में घुस गए ताकि किसी को शक न हो। पकिया सिद्धार्थ का पीछा करते करते रिया तक पहुंच गया और रिया बेचारी बेमौत मारी गई। और इस वाहनी जानबूझकर हमारे पास आई। इसे मालूम था कि सीआईडी किसी से कुछ नहीं कहेगी, सिद्धार्थ की जान बचाएगी। आप सर इसका मतलब दया आपका काम नहीं करता तो आप मुझे मार देते? हाँ मैं मार देता, मार देता मैं तुम्हें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा जब फांसी का फंदा गले में पड़ेगा। और तुमने साथ दिया ना इनका, अब साथ निभाना जेल की सलाखों के पीछे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.